नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए 8 से 14 सितंबर के लिए रहेगा। तो 8 से 14 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए। अगर आपका चंद्रमा एक नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो आपकी मेष राशि है। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार अपनी राशि के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रमा के गोचर की, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो 8, 9 और 10 को चंद्रमा का जो गोचर होगा वो वृषभ में होगा, यानी आपके राशि स्थान से दूसरे भाव में। यहाँ पर चंद्रमा उचके रहेंगे। उचके चंद्रमा रहने से आपकी अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपकी वाणी काफी मधुर होगी और आप वाणी के माध्यम से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। आप अपनी बोली से, आप अपनी वाणी से लोगों से काम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ध्यान रहेगा वो अच्छा भोजन करने पे रहेगा, डाइट अच्छी लेने पे रहेगा, और कहीं ना कहीं आप जो धन की सेविंग है, जो पैसे की बचत है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इस समय में आप अपनी फैमिली पर खर्चा कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई खर्चा आप करने की नहीं सोचेंगे। इस समय में बचत आपकी अच्छी होगी, धन की प्राप्ति आपके लिए अच्छी रहेगी, और कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का रहेगा। और आपकी जो वाणी है, वाणी के माध्यम से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस जल्दी देखने को मिलेगी। उच्च का चंद्रमा होने से आपको काफी लाभ मिलेगा, आपका मन काफी शांत होगा और आपका जो लगाव है फैमिली के सदस्यों के साथ वो काफी अच्छा रहेगा। तो फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपके लिए दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि की, तो चंद्रमा आपके अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो ये सब अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ से देंगे। यहाँ से आपके जो सेकंड हाउस है वहां से चंद्रमा अष्टम भाव को देखेंगे। अगर आपके चंद्रमा आपके लग्न चार्ट में पीड़ित स्थिति में है, क्रूर ग्रहों के साथ है, तो अचानक आपको धन का नुकसान भी हो सकता है, अचानक किसी फैमिली के सदस्य का या आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या आपको कुछ जो बुरी घटनाएं हैं उनका अनुभव जीवन में हो सकता है। तो ये स्थिति 8, 9 और 10 सितंबर को रहेगी। चंद्रमा के उच्च की स्थिति रहने से अगर आपका चंद्रमा आपके लग्न चार्ट में काफी अच्छी स्थिति में है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो धन की प्राप्ति आपको पैतृक संपत्ति से हो, आपके इनलॉज से हो, या कोई आप ऐसा काम करते हैं, सेक्रेटिव काम करते हैं उसकी वजह से हो, या कोई तीसरा ही व्यक्ति आपकी अच्छी मदद कर दे उसके माध्यम से भी हो सकती है। तो ये जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और शुरुआत इस वीक की आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। ये सेकेंड वीक रहेगा सितंबर का, और सेकेंड वीक की बहुत अच्छी शुरुआत आपके लिए रहेगी। धन संबंधी जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, और इस समय में आप अच्छे भोजन का आनंद ले पाएंगे और वो भी आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आप ड्राइविंग में थोड़ा सावधान रहें, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा आपकी जो रुचि है वो अकल्ट साइंसेज में रहेगी, रहस्यमयी कार्यों में, रहस्यमयी चीजों में, या रहस्यमयी जो भी घटनाएं हैं उनमें ज्यादा रुचि आपकी रहेगी। तो ये जो 3 दिन है वो काफी अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 11 और 12 सितंबर को चंद्रमा जो कि मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, मिथुन राशि में ये आपके राशि स्थान से तृतीय भाव में चले जाएंगे जहां पर राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में आपको कुछ छोटी दूरी की यात्राएं होने का योग बनेगा और अचानक आपका यात्रा का प्लान बन सकता है। इस समय में आपको अपने फादर से अच्छा सपोर्ट रहेगा, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपके छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आप किसी भी काम में आगे प्रगति कर जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि चंद्रमा के साथ राहु के रहने से थोड़ा सा मानसिक भ्रम की स्थिति रहेगी, या यूं कहें कि आपको कुछ सेटबैक्स मिल सकते हैं, मानसिक स्थिति अचानक चेंज हो सकती है और कुछ प्रॉब्लम्स आपको मानसिक स्थिति को लेके अवश्य रहेंगी। हालांकि यहां से आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे, और अगर आप शॉर्ट ट्रेवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय में अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, अगर आप एक न्यूज एंकर हैं, अगर आप एक पब्लिशर हैं, या आप पब्लिकेशन की शॉप चलाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं,
तो उसमें आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। आप अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं या जो भी चीज आपको सेल करनी है उसके लिए आप इधर से उधर फटाफट आप जो घूम सकेंगे उसकी वजह से आपको फायदा होगा और आप बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बना सकेंगे, जिससे आप अपनी वस्तु को बहुत जल्दी बेच सकेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए वो काफी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन मन थोड़ा सा भ्रमित रह सकता है या मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। तो ये समय में थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए और आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, ओम शब्द का जप कीजिए, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप योगासन वगैरह का सहारा भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा सुबह घूमने को निकलिए, जिससे आपकी सेहत और भी अच्छी होगी और आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति जरूर मिलेगी। इसके साथ ही देखिए जो चंद्रमा की जो अगली स्थिति रहेगी 13 और 14 को चंद्रमा अपनी स्वराशि में ही आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो ये जो अंतिम दो दिन है वो आपके लिए काफी अच्छे होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं या आप अपने घर से संबंधित कोई काम करते हैं, जो पहले से आपका काम अभी रुका हुआ था उसको आप पूरा कर सकेंगे। आपकी माताजी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपका घर से लगाव बढ़ेगा। घर पर आप बहुत अच्छी तरह से रह पाएंगे, घर के वातावरण को एंजॉय कर पाएंगे और घर के सदस्यों के साथ, विशेषकर आपके माताजी के साथ, आप एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे और अपने विचारों को शेयर कर पाएंगे। यहां से चंद्रमा आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखने से आपको, अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपकी पहले जॉब छूट गई थी अभी तक मिली नहीं है, तो अब जॉब मिलने के चांसेस आपको बनेंगे और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपको सफलता अपेक्षित थी वो सफलता अब आपको मिल सकेगी। तो ये जो अंतिम दो दिन है वो भी आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो ये पूरा सप्ताह एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहे थे या आप कहीं सरकारी नौकरी में पहले हैं, तो ये सब आपके लिए अच्छा होगा। यानी आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, साथ ही अगर आप कहीं पर अच्छी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपके काम की तारीफ हो सकती है, कुछ उपहार या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लाभ हो सकता है। तो ये जो वीक रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपना अगर खुद का भी कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई आप खुद का कहीं ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ऐसे काम में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो आपका वीक रहेगा उसकी शुरुआत काफी अच्छी होगी। थोड़ा सा आपको 11 और 12 सितंबर को थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी पूरा वीक आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा। तो इस वीक के शुरुआत से ही आपके पास मनी का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा होगा, तो अंत तक आपके पास धन काफी अच्छी मात्रा में रहेगा और आप अपनी मर्जी के अनुसार धन को खर्च कर सकेंगे। तो इस वीक का आप पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे। उसके बाद आप जब सैर सपाटे के लिए निकलेंगे या छोटी दूरी की कोई यात्रा करेंगे तो उस समय आप काफी आनंदित महसूस करेंगे और इस वीक में आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये वीक आपके लिए काफी अच्छा बीतने वाला है और इस वीक में कोई भी ऐसा काम जो आपका अटका हुआ था, चाहे वो धन को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो या जॉब को लेके हो, वो आपका पूरा होगा। तो इस वीक में मेष राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा आपके लिए 7 और आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा सफेद। तो फिलहाल बस इस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।